स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। कहानी की शुरुआत में हमें एक इंजीनियर बताया जाता है जो हमारे आर्नोल्ड दादा होते हैं, जिनका नाम रोमन होता है। रोमन आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका परिवार घर लौटने वाला था, जिससे उसके कलीग उसे जल्दी घर जाने का बोलते हैं ताकि वह अपनी बीवी और बेटी जिसके पेट में बच्चा था उसका अच्छे से स्वागत कर सके। अब रोमन घर पर जाकर तैयार होता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां के कर्मचारियों से उनकी फ्लाइट का पूछता है जिसमें उसका परिवार आ रहा था। अब रोमन फ्लाइट का नाम AX112 बताता है, जिससे वहाँ के एम्प्लॉय शॉक्ड होकर रोमन को एक अलग कमरे में ले जाते हैं, जिससे रोमन को कुछ समझ नहीं आता कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब रोमन वहाँ इंतजार कर रहा होता है तभी वहाँ संपर्क डिपार्टमेंट से एक औरत आती है जिसका नाम एवा होता है। वह रोमन को बड़ा गंभीर माहौल बनाकर कहती है कि उसकी बात ध्यान से सुनिए, और रोमन को कहती है कि आप जिस फ्लाइट का पूछ रहे हैं उसका हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें किसी का भी बचना संभव नहीं है। अब रोमन यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब अचानक रोमन बेहोश हो जाता है और अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहीं एवा आती है और रोमन के परिवार में और कौन कौन है पूछने लगती है, लेकिन रोमन अब अकेला पड़ गया था। तभी एवा उसे फैमिली सपोर्ट सेंटर जाने का सुझाव देती है जिससे उसको बेहतर फील हो सके, लेकिन रोमन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हमें एक्सीडेंट की पिछली वाली रात बताई जाती है कि जेक नाम का एक आदमी जो अपनी डेली रूटीन की तरह अपने काम पर जा रहा होता है। जेक का काम एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कम्युनिकेशन संभालना है। अब जेक कंट्रोल रूम पहुंचता है और अपने काम पर लग जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कम्युनिकेशन लाइनों को छेड़छाड़ कर उसका मेंटेनेंस करने लगता है। अब जेक फ्लाइट के रास्ता साफ होने का कंफर्मेशन करता है, लेकिन उसके हेडफोन निकलने और कम्युनिकेशन लॉस होने के कारण दूसरे कंट्रोल रूम को कंफर्मेशन नहीं मिलता और पायलट प्लेन को 1000 फुट नीचे उतार देता है, जिससे प्लेन रडार से गायब हो जाता है और जेक घबराने लगता है। अब जेक को एयरपोर्ट हेड के पास बुलाया जाता है जो उसे बताता है कि दोनों प्लेन समान ऊंचाई पर उड़ने से एक दूसरे से टकरा कर पहाड़ पर गिर गए जिसमें शायद ही कोई बच पाएगा। जेक यह सुनकर रोने लगता है और अपने आप को दोषी मानने लगता है। तब हेड उसे बताता है कि वह जेक को दोषी नहीं ठहरा रहा है और अपने आप को संभालने का बोलता है। अब जेक पुलिस को सारा स्टेटमेंट देता है कि वह किस वक्त कहां और क्या कर रहा था, जिसके बाद पुलिस उससे जानकारी लेकर उसे कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहने की सलाह देती है और जेक घर आ जाता है। अब रोमन अपने परिवार के दुख से उभरा नहीं था, वह न्यूज देखकर मरे हुए लोगों की गिनती करने लगता है जिसमें लगभग 260 लोग मारे गए थे। अब रोमन घटना स्थल पर जाता है और लोगों की मदद करने के बहाने वॉलेंटियर बनकर अंदर घुस जाता है, जिससे उसे वहां पर अपनी बेटी का नेकलेस और उसकी लाश मिलती है, जिससे वह बुरी तरह टूट जाता है और अपने परिवार की कब्र पर ही रातें गुजारने लगता है। इधर जेक जो अब अपने घर में ही रहता था जिससे वह बुरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, अब हमें बताया जाता है कि रोमन से एक लड़की जिसका नाम टेसा होता है वह मिलने आती है। वह एक पत्रकार होती है और इस हादसे के शिकार हुए लोगों के बारे में एक किताब लिखना चाहती है, लेकिन रोमन दरवाजा नहीं खोलता और वह अपना कार्ड रखकर वहां से चली जाती है। तभी वहां रोमन का कलीग आता है और उसे इस दुख से जल्दी उभरने का कहता है और कुछ बातें करके वहां से चले जाता है। इधर जेक भी बोर आ गया था क्योंकि उसी को पूरी दुनिया दोषी ठहरा रही थी और उसके घर के आगे किलर और मर्डरर छाप गए थे। और अब जेक का व्यवहार चेंज होने से उसकी पत्नी उसे कहती है कि हमें अपने बच्चे के लिए थोड़े दिनों तक दूर रहना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग पर असर ना पड़े, और घर छोड़कर चली जाती है। अब जेक अकेला रहने लगता है और अपने बचाव के लिए एक बंदूक खरीद लेता है। अब पुलिस ऑफिसर जेक को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जेक को अपनी पहचान, अपना काम और अपनी जगह छुपाने की जरूरत है, लेकिन जेक अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता और सोच में पड़ जाता है। अब हमें रोमन को बताया जाता है जिसने एयरलाइन पर केस कर दिया था, तब उससे एयरलाइन वाले और लॉयर मिलकर समझौता करने का बोलते हैं जिसमें रोमन को $160,000 मिलेंगे और रोमन को अपना केस वापस लेना होगा, और कहते हैं कि बाकी परिवार वालों ने भी इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। तभी रोमन उस पर बढ़कर अपने परिवार की फोटो दिखाता है और वहां से चला जाता है। इधर जेक डॉक्टर को अपने आप में सुधार करवाने का बोलता है और कहता है कि अगर कुछ ना हो सके तो उसे बहुत सारी नींद की गोलियां दे दो। अब हमें एक साल के बाद बताया जाता है कि घटना स्थल पर हादसे में मरे हुए लोगों के लिए स्मारक बनवा दिए गए हैं, लेकिन रोमन अभी भी दुख से उभरा नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और जेक को बताया जाता है जो अब ट्रेवल एजेंसी में काम करने लगता है। जेक ने अपना नाम बदल कर पीटर रख लिया था और शहर से दूर रहने लगा था। अब एक दिन टेसा, जिसको किसी तरह जेक का पता मिल जाता है, वह अपनी किताब के लिए जेक के पास जाती है और किताब के बारे में अपने विचार लिखवाने को बोलती है, लेकिन जेक को नहीं पता था कि वह रोमन के कहने पर वहाँ आई थी। और अब टेसा रोमन के पास जाकर उसे जेक की जानकारी देने लगती है और उसका पता भी बता देती है, और रोमन जेक को इसलिए ढूंढ रहा था कि उस हादसे के बारे में किसी ने भी अभी तक माफी नहीं मांगी थी, जिससे रोमन को बहुत गुस्सा आता है। अब रोमन अपनी कार से कहीं जाता है। इधर जेक सब्जी वब्जी काट कर अपना खाने का जुगाड़ करता है और अपनी
बिंदु के भी जाले साफ कर रख देता है। तभी अचानक उसकी डोरबेल बजती है। जेक घबराते घबराते ना दरवाजा खोलता है, और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने अपने बच्चे और पत्नी को पाता है। अब यह तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। जेक अपनी पत्नी से वापस घर लौटने का कहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अभी मामला पूरी तरह सुधरा नहीं है। और कुछ बातें करने के बाद वह तीनों सो जाते हैं। इधर रोमन पागल कुत्ते के जैसे जेक को ढूंढ रहा था। अब रोमन जेक का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जैसे उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर किसी को भी न पाकर अचंभित हो जाती है, क्योंकि रोमन पहले ही वहां से चला गया था। अब इधर रोमन को चैन नहीं था और अपने परिवार के ख्याल उसे परेशान करने लगे थे। अब रोमन अपनी गाड़ी उठाता है और सनन बनन जेक के घर जाता है और जेक का दरवाजा खटखटाता है। इस बार दरवाजा जेक खोलता है और रोमन उसे अपने परिवार की फोटो बताता है और उसे इसका दोषी ठहरा कर माफी मांगने का कहता है, लेकिन जेक उसे यह सब भूलने को कहता है और रोमन को धक्का दे देता है। तभी रोमन की खोपड़ी खसकती है और जेक को चाकू से लालम लाल कर देता है, जिससे जेक की पत्नी और बच्चा डर जाते हैं और रोमन को जेल हो जाती है। क्योंकि रोमन ने जब जेक को मारा था तब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे 11 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। अब रोमन जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अपने परिवार से मिलने कब्रिस्तान जाता है। तभी वहां उसे एक लड़का दिखता है और रोमन से बातचीत करने लगता है। तभी रोमन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भी कोई इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है। तभी वह लड़का कहता है कि नहीं, उसके पिता को यहां नहीं दफनाया गया था। अब रोमन समझ जाता है कि यह जेक का लड़का है। तब तक वह लड़का रोमन पर बंदूक तान देता है। अब रोमन उससे माफी मांगता है और गोली चलाने का बोल देता है, लेकिन लड़का उसे छोड़ देता है और रोमन वहां से चले जाता है, जिसके बाद यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगर इस मूवी से हम कुछ सीखना चाहें तो यह सीख सकते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी हादसा या परेशानी आती है तो उसे हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और उससे निपटना चाहिए, नहीं तो परिणाम अंत में बुरा ही होगा। अगली आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।